नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां नगर निगम जोन 7 स्थित शंकरपुरवा प्रथम वार्ड में पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा के निर्देश के क्रम में अवैध डेयरियों पर अभियान चलाया गया। बता दें कि सुबह 8 बजे डॉक्टर वर्मा के निर्देश पर नगर निगम कैटल कैचिंग दस्ता अवैध डेयरियों पर पहुंचा और तहत कार्यवाही करते हुए पहुंचा, जहां पर दबंग इलाके के लोगों ने नगर निगम पर ही धावा बोल दिया। जी हां, बता दें कि डॉक्टर वर्मा ने बताया कि कैचर दस्ते द्वारा दर्जनों दुधारू पशुओं को जब्त करने की कार्यवाही कर रहे थे, तभी डेयरी संचालक मौके पर पशुओं को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। वहीं नगर निगम के द्वारा जब्त की गई डेयरी के भैंसों को वहां से ले जाया जा रहा था, तभी इलाके में सपा पार्षद पंकज यादव अपने समर्थकों के साथ लाठी डंडे के साथ आ गए और पार्षद के सह पर दबंगों ने सरकारी गाड़ी पर लदे जानवरों को जबरन उतार लिया। बता दें कि नगर निगम के कर्मियों का भी यही कहना है कि शंकरपुरवा वार्ड के पार्षद ने जबरन अपने साथियों के साथ मिलकर सभी गाय भैंसों को गाड़ी से उतरवा लिया और कर्मचारियों के साथ हाथापाई और अभद्रता करने लगे, जिसके बाद सभी कर्मचारी खुद को घिरता हुआ देखकर गुडम्बा थाने पहुंचे, जहां पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जानकारी के मुताबिक थाना गुडम्बा के प्रभारी निरीक्षक नितेश श्रीवास्तव ने तहरीर के आधार पर पार्षद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की बात कही है। क्या नाम है और कहां पर आप गए थे कैटल कैचिंग दस्ते के साथ में, कौन सी अवैध डेयरियों पर गए थे, क्या हुई घटना? हमारा नाम श्यामजी चौरसिया है, हम गए थे। वो क्या नाम उनका चौरसिया का नाम है, चलो कोई बात नहीं, उसका नाम हुआ। घटना क्या हुई? तो उन्होंने दो बैत लदी थी, उस पर वो कौन गंदे निकालने लगे और वो निकाल के मालने लगे। ये देखिए हाथ फूला हुआ है। तो आप गाड़ी ड्राइवर हो? नहीं, हम कौन कैचर हो। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई थी? मैं DM त्रिपाठी हूँ, मैं सुरक्षा गार्ड में गया था सबके लिए। वहाँ पे पार्षद आए, कम से 50-60 आदमी और थे, वो सब डंडा उंडा चला के फिर गाड़ी से जानवर सब उतार लिए। इसके बाद हम लोग वहाँ पे सिचुएशन ऐसा आ गया कि अगर हम लोग वहाँ से नहीं भागते तो हम लोग भी मार खा जाते, इसलिए हम लोग तुरंत वहाँ से अपना जान बचा के भाग लिए। क्या काफ़ी संख्या में वो लोग थे? वो लोग कम से 60-70 आदमी थे सर, ज़्यादा आदमी थे। उसके बाद आप लोग निकल आए वहाँ? हम लोग वहाँ से निकल गए। तो अब आगे की क्या रणनीति बनाई हम लोगों ने? अब आगे की वो लोग जाना है और अगर नगर निगम जाना है क्या करना है भाई। हम लोग तो यही थे कि हम लोग वहाँ पे इन लोग के सुरक्षक ले गए थे, इनको देख के हिसाब से हम लोग वहाँ से सब चल दिए। क्या नाम है, किस वार्ड में गए थे और क्या घटना हुई? साथ नाम है, मैं गाय बांध रहा था, 12 भैंसे लगी हुई थी, 4-5 गाय थी, तो वो लोग डंडा चलाने लगे थे, मेरे उंगलियों पे उंगली पे डंडा मार दिया था, तब मैंने गाय छोड़ दी। कितने लोग थे ऐसा कार्य? हम लोग 10-12 लोग थे। उधर से जो आए थे जी, वो लोग तो ज़्यादा लोग थे, 15-20 लोग थे। तो जितनी भैंसे आप लोगों ने जब्त करी थी उसका क्या हुआ? 12 भैंसे थी और 4-5 गाय थी। जब वो लोग हाथापाई करने लगे तो हम लोग वहाँ से हट लिए, वहाँ से भाग लिए। किसके संरक्षण में हुआ है सब कार्य, कौन था वहाँ पे? पार्षद थे वहाँ के। अच्छा, कौन सा वार्ड है, किस वार्ड का मामला है ये? शंकरपुरवा सेकंड। क्या नाम है, किस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं आप और कहां पर गए थे? मैं नगर निगम का कर्मचारी हूं और वहां पकड़ने गए थे तो उन्होंने डंडा चलाया, हाथ पे लग गई मेरे। कहां पे लगा चोट? हाथ पे लगाई थी, यहां भी लगा था। कितने लोग थे शामिल है ऐसी घटना? लगभग 15 लोग थे। 15 लोग थे। और जो भैंसे आप लोगों ने जब्त करी थी उसका क्या हुआ? वो कंप्लेन की भैंसे थी। फिर क्या हुआ उन भैंसों को? आप पास उनको मारपीट करके छुड़ा लिया गया, भागे करे तो हम लोग भागे भागे थे। क्या मामला हुआ था, किस डिपार्टमेंट से आप लोग हैं और किस वार्ड में गए थे, क्या समस्या हुई? हम लोग कैटल कैचिंग विभाग से हैं और आज थाना क्षेत्र गुडम्बा का अभियान लगाया था अवैध डेयरी का। तो जब हम लोग अंग्रेज फार्म के पास वहाँ पे पशु पकड़े हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग दूसरी डेयरी कंचना बिहारी मार्ग के नज़दीक गए, तो वहाँ पे पार्षद पंकज यादव आके और अपने कुछ अन्य साथियों के साथ जिसे मारपीट करी और हमारे कर्मचारियों को डंडे से मारा और गाड़ियों को भी जो है तोड़ फोड़ करी और हम लोग का घेराव करके सारे पशु गाड़ी से निकला दिए। लगभग कितने पशु आप लोगों ने जब्त किए थे? 12 भैंस थी और 4-5 गाय थी, तो उसको सब सब निकला दिए। तो ये किसके निर्देशन पर चल रहा था कार्रवाई जो चलाई जा रही थी? ये पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा के निर्देशन। कितने बजे आप पहुंचे थे उस स्थान पर? हम पहुंचे थे 8 बजे था, 8 बजे के अंदर। डेयरी संचालन जो कर रहा था उसका नाम पता है? डेयरी संचालन का नाम डेयरी संचालक के नाम से।
सर, आज गुड़म्बा इलाके में आपकी टीम गई थी, वहां पर अवैध डेयरी थी, वहां से कुछ पशु को पकड़ा गया था, उसके बाद क्या घटना हुई और मारपीट की भी घटना सामने आ रही है? आज हमारी टीम सुबह लगभग 8 बजे के आसपास गुड़म्बा थाना अंतर्गत प्रगतिपुरम कॉलोनी में अवैध डेयरी अभियान हेतु गई हुई थी और शिकायत काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थी, पुलिस फोर्स नहीं मिल पा रही थी। आज पुलिस फोर्स के साथ टीम अभियान करने गई थी, टीम ने 12 भैंस और 4 गाय पकड़ भी ली थी। इसी बीच माननीय पार्षद पंकज यादव जी आए और उनके साथ 20 से 25 लोग भी थे, जैसा अन्य लोगों ने मुझे अवगत कराया, और उन्होंने कर्मचारियों के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, मारपीट भी की और सभी जानवर गाड़ी से उतरवा लिए, जिसका वीडियो सभी लोगों को प्रेषित किया जा चुका है। और उसके बाद चूँकि कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी हुई थी, जानवर भी उतारे लिए गए थे और मारपीट भी की थी, इस संबंध में हम लोग के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई है कुटुम्बा थाने अंतर्गत श्री पंकज यादव जी के खिलाफ। सर, एक खबर और भी चल रही है कि उसमें कहा जा रहा है कि नगर निगम की टीम दोबारा किसी इलाके में पहुंचती है और एक प्रेग्नेंट गाय को गाड़ी में बंद करती है, उसके बाद फिर लोगों में आक्रोश होता है, इसमें कहां तक सच्चाई है? सर देखिए, ऐसा कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं कि गाय प्रेग्नेंट थी और सभी की फोटोज़ हैं और वीडियोस भी हैं, उसमें आप गाय देख सकते हैं, कोई भी गाय प्रेग्नेंट नहीं थी। जो भी आरोप है निराधार, टीम गई थी वैध तरीके से अवैध डेयरी पर कार्रवाई करने गई हुई थी। लखनऊ से सीनियर संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।